अच्छा सर, आप अवाम किस में मौजूद हैं? पंजाब बड़ा अहम तरीन मौरका है जो इलेक्शन 2008 का, फरवरी 2024 8 का इलेक्शन है, तो सर आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? कौन सी ऐसी जमात है जिसमें अवामी मकबूलियत सबसे ज़्यादा है? मैं चाहूँगा सर, आप से उम्मीद है हमें कि आप बड़ा मेरिट पे हमें ये बताएंगे, हालांकि आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरिट पे सर आप ये बताइए कि कौन सी सियासी जमात इस वक्त ज़्यादा मकबूल है अवाम में? देखें डॉक्टर साहब, वो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं जिसका जवाब आपको भी मालूम है, तो मेरा ख्याल है कि मैं तो ये कहूँगा कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सिस्टम में आना चाहिए, हमें रिकंसिलेशन की पॉलिटिक्स जो है वो करनी चाहिए, और हमें आवाम जो है उनको फ़ैसले का हक जो है वो देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो मुफाहमत की सियासत है उसमें जरदारी साहब एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं, और मेरे मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो इसी में है कि तमाम सियासी पार्टियाँ इकट्ठे मिलके बैठें, सोचें और अपने ज़ाती मफादात जो हैं उनको पीछे रख के मुल्की मफादात को, पाकिस्तान के अवाम के मफादात को तरजीह दें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, फैसले गलत सियासी जमात ऐसा नहीं हो रहा है सर, फैसले गलत ब्यूरोक्रेसी मैं ऐसा नहीं हो रहा है, फैसले कर जुडिशरी करती है फैसले, ऐसा नहीं हो रहा है। फिर भी मेरा 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 वाजे सवाल सर, मेरा वाजे सवाल सर, आप पंजाब के ज़मीन में खड़े हैं, अवामी वहाँ पजीराई किस जमात को ज़्यादा मिल रही है सर? इतना था तो आप बता सकते हैं। जाहिर देखें डॉक्टर साहब पहली बात, डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ, देखें अवाम में यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ जो है ये एक मकबूल पार्टी है, लेकिन पार्टी के इलेक्शन लड़ने के अपने एक लवाजमात होते हैं, तो अगर आप ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे बातें करके और सोशल मीडिया जो है वो आपको ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं उन पे आपको इलेक्शन जितवा देगा तो ये मुमकिन नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इलेक्शन में जो है सर, ये मैं आसान कर देता हूँ, मैं आसान कर देता हूँ आपका जुमला, बैठ के निशान के मैं आपको आसान कर देता हूँ कि अवामी मकबूल शायद कोई जमात बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अवाम का वोट बैलेट बॉक्स में पहुँचाना ये अहम बात होता है, और उसके लिए बाज़ाब्ता एक साइंस है जो तंजीमी तौर पर सियासी। बस आपने, मैंने इतना लंबा किया, आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया डॉक्टर साहब, लेकिन आपने आपने ये क्लियर किया है कि आज भी पंजाब की सबसे बड़ी सियासी मकबूल जमात जो है वो पीटीआई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।